नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक्वाडोल इंजेक्शन के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। एक्वाडोल इंजेक्शन के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, डाइक्लोफेनिक सोडियम दिया है। एक्वाडोल इंजेक्शन का काम घुटनों में होने वाले दर्द को कम करने के लिए और हाथों की जो हड्डियां हैं या जॉइंट हैं उनमें होने वाला दर्द को कम करने के लिए हम एक्वाडोल इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। एक्वाडोल इंजेक्शन के अंदर जो डाइक्लोफेनिक सोडियम इंग्रेडिएंट्स के रूप में दिया है, इसका काम पीठ दर्द को कम करने के लिए, मोच और मोच की वजह से जो मांसपेशियों में जो खिंचाव है उस उनमें होने वाला जो दर्द है उनको कम करने के लिए भी हम डाइक्लोफेनिक सोडियम यानी एक्वाडोल इंजेक्शन का प्रयोग में ला सकते हैं। गठिया में जो होने वाला दर्द है उनको कम करने के लिए, अगर आप खेलते समय या कोई काम करते समय आपके छोटे जो सॉफ्ट यानी जो मुलायम ऊतक हैं, सॉफ्ट टिश्यू हैं, उनमें होने वाला दर्द को कम करने के लिए, दांतों का दर्द या फिर मामूली चोट की वजह से जो आपका यानी जो टांके वगैरह आए हैं उनमें होने वाले दर्द को कम करने के लिए भी हम डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। या फिर जो आपके कंधों में जो जकड़न है की समस्या है, जकड़ गए हैं, चाहे वो अधिक व्यायाम की वजह से हो या अन्य किसी मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से जो आपके कंधे में जो दर्द है वो उन उस दर्द को कम करने के लिए भी हम इस इंजेक्शन को प्रयोग में ला सकते हैं। इस इंजेक्शन को हम एक्वाडोल जो इंजेक्शन है, अब जैसे हम इस इंजेक्शन को कन्वर्ट करना चाहें कि हम फीवर को यानी यह इंजेक्शन जो एक्वाडोल है इसमें जो इंग्रेडिएंट डाइक्लोफेनिक सोडियम है, अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस इंजेक्शन को हम किसी का फीवर कम कर दें, किसी भी प्रकार का फीवर हो, चाहे वह माइग्रेन का फीवर हो, चाहे आपको कोई जुकाम सर्दी या खांसी के बाद में जो आपको बुखार आया है, फीवर हो गया है, उस फीवर को कम करने के लिए हम इस इंजेक्शन को किस प्रकार प्रयोग ला सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एक्वाडोल इंजेक्शन का प्रयोग इसमें IM और IV दोनों तरीके से इसमें दिया है, पर इसे हमें आईवी इस्तेमाल नहीं करना है, इसको हमें इंट्रामास्कुलर प्रयोग में लाना है। इसका कारण मैं बताऊंगा। एक्वाडोल इंजेक्शन को IM ही प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं एक्वाडोल इंजेक्शन के द्वारा हम किस प्रकार फीवर को कम कर सकते हैं, उतार सकते हैं, यानी उसको जो फीवर है, जो आपका फीवर चाहे दिमाग से जुड़ा, आपके दिमाग पे फीवर पहुंच गया है, चाहे आपका सर्दी या फुल किसी जुकाम खांसी की वजह से जो आपको बुखार है, या फिर आपको क्या कहते हैं वायरल फीवर है, उसको कम किस प्रकार इस इंजेक्शन के द्वारा हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, चलिए हम बताते हैं। एक्वाडोल इंजेक्शन 1 इंपुल में आता है। पहले यह 2 इंपुल में आता था, अब ये 1 इंपुल में कर दिया है। इसकी मार्केट रेट 21 रुपये। अब हम फीवर को उतारने के लिए क्या करेंगे, एक्वाडोल इंजेक्शन लेंगे 1 इंपुल पूरा सिरिंज में। उसी सिरिंज में हम लेंगे डेक्सासोन यानी डेक्सोमीथासोन इंजेक्शन लेंगे, एक सिरिंज में एक्वाडोल, और उसी सिरिंज में आपको 1 ml डेक्सासोन इंजेक्शन भरना है, एक यानी 1 इंपुल पूरा उसी सिरिंज में। उसी सिरिंज में 1 इंपुल आपको डेक्सासोन को 1 ml लेना है, 1 इंपुल प्लस 1 ml डेक्सासोन मिलाकर आपको IM देना है जब किसी को फीवर हो। आप अगर ज़्यादा फीवर है, 100 डिग्री फीवर है, तो पहले हमें क्या करना होगा, अगर आपको ज़्यादा फीवर है तो पहले आप जो पेशेंट है उसको आप आइस के द्वारा यानी बर्फ़ के द्वारा उसकी बॉडी या दिमाग पर आपको बर्फ़ फेरनी है, या फिर आपको पानी में भिगोकर कपड़ा या पट्टी रखनी है, या फिर आपको पैरासीटामोल का आप कभी इस्तेमाल ना करें। पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें तो उसमें डाइक्लोफेनिक सोडियम हो। आप एक डाइक्लोफेनिक सोडियम या फिर पैरासीटामोल की टेबलेट लें, उसको खाएं, जो फीवर कम हो जाए, तब आपको ज़्यादा फीवर कम होने के बाद में आपको एक्वाडोल 1 ml 1 ml डेक्सासोन मिलाकर आपको IM देना है पेशेंट को। आपको यह ध्यान रखना है पेशेंट ने थोड़ा बहुत कुछ खाया हो, नहीं खाया है तो आप उसको चाय के साथ में बिस्कुट या अन्य चीज़ आप दे सकते हैं।
कुछ ही देर बाद उसका जो पेशेंट है उसका फीवर उतर जाएगा। दर्द के साथ साथ आपको यह जो बुखार है, जो फीवर है, हम डेक्सासोन को साथ में मिलाकर 1 ml एक्वाडोल, 1 ml यानी पूरा एम्पुल ये एक्वाडोल, 1 ml डेक्सासोन आपको मिलाकर IM देना है। कुछ ही देर बाद आप पेशेंट का फीवर उतर जाएगा। यह इंजेक्शन किन किन रोगियों को नहीं लगाना है? गर्भवती महिला को तो कतई ये इंजेक्शन नहीं लगाना है, और जो लिवर किडनी के जो पेशेंट हैं या गुर्दे के मरीज हैं, हृदय से संबंधित जो रोगी हैं, या फिर जिनकी मांसपेशियों से संबंधित यानी उनके जो नसें हैं उनसे जुड़ी उनको कोई समस्या है, या फिर उनको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की बीमारी है, ज़्यादा उम्र के पेशेंट हैं यानी 80 से 90 साल या फिर 70 से जो आयु से ज़्यादा के जो मरीज हैं उनमें हीमोग्लोबिन कम है, IV आप इसको कतई मत देना, इसको IM देना। अगर वे इस प्रकार के पेशेंट आपको मिल जाएं कि उनके जो आप IM दे रहे हैं उनके हिप बहुत ही कमज़ोर हैं, उनके स्थान ही नहीं है कि हम उसको पूरी सिरिंज उनके अंदर डिप कर पाएं, तो इस इंजेक्शन को आपको इस प्रकार के मरीजों को नहीं लगाना है। इसके जैसे एक्वाडोल की जगह पे आप मीकासेन इंजेक्शन का प्रयोग करें। तो आपको ज़्यादा उम्र के पेशेंट को नहीं लगाना यह इंजेक्शन, या फिर जिनकी बॉडी अति संवेदनशील है उनको भी यह इंजेक्शन बिना बड़ी सावधानी से आपको लगाना है, या फिर 14 साल से कम आयु के बच्चे हैं उनको दर्द या फीवर है, वायरल फीवर है, आप इसके जरिए उतारना चाहें तो नहीं। आप अगर छोटे बच्चे हैं तो मीकासिन 100 उनका इंजेक्शन आता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस इंजेक्शन का प्रयोग आपको किस किन किन दवाओं के साथ, यह डाइक्लोफेनिक सोडियम है वो क्रिया कर सकती है, एस्प्रिन है, साइक्लोस्प्रिन है, और जो एंटी इन्फ्लूमेंट्री ड्रग हैं उनका जो इस्तेमाल कर रहे हैं इस प्रकार के मरीज को नहीं लगानी है, या फिर वारफिन है। तो अगर इस दवाओं का कुछ जो पेशेंट है इस इंजेक्शन को आप लगा रहे हैं, अगर आप ये कंफर्म कर लें कि वो ये दवाएं तो नहीं खा रहे हैं, उसके बाद ही आप इस इंजेक्शन को लगवाएं। और या फिर बॉडी जिनकी अति संवेदनशील है उनके कोई दवाइयां इंजेक्शन सूट नहीं करती। इस प्रकार के मरीज हैं, दमा वाले रोगी हैं, कोरोनरी धमनी बाईपास ग्राफ्ट के स्थान से पेरिसल चिकित्सा के दर्द के उपचार वाले जो पेशेंट हैं उनको यह इंजेक्शन नहीं लगाना है। मैं दोबारा बोलना चाहूँगा एक्वाडोल के बारे में सीधी और सरल भाषा में, एक्वाडोल इंजेक्शन के अंदर डाइक्लोफेनिक इंग्रेडिएंट्स के रूप में दिया है। एक्वाडोल इंजेक्शन का काम दर्द से राहत पाने के लिए, चाहे हड्डी का दर्द हो, चाहे मांसपेशियों का दर्द हो, हड्डी से जॉइंट वाला दर्द हो, पीठ दर्द हो, या फिर छोटी मोटी चोट की वजह से जो आपको दर्द की समस्या है उसके लिए हम एक्वाडोल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें इसी इंजेक्शन और दूसरे इंजेक्शन के संयोग से 1 ml एक्वाडोल, 1 ml डेक्सासोन एक ही सिरिंज में भरकर आपको IM पेशेंट को देना है, IM तब देना है इस इंजेक्शन को, दोनों को मिला के पहले आप फीवर चेक कर लेना। अगर 100 से ज़्यादा या 100 फीवर है तो पहले आप उसको आइस या फिर बुखार उतारने वाली जो फीवर उतारने वाली टेबलेट है उसको दें। फीवर कम होने के बाद में आप इस एक्वाडोल 1 ml और डेक्सासोन 1 ml को दोनों को मिलाकर आप IM दे सकते हैं। IV नहीं देना है। अगर इंजेक्शन ने अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर ली है तो उस इंजेक्शन को फेंक देना है, वैसे प्रॉपर्टी चेंज होंगी नहीं। धन्यवाद।